जनतीय कश्मीर को फिर जन्नत बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों के बीच गांदरबल आतंकी हमला कश्मीर को दुनिया में फिर अशांत दिखाने का बड़ा षड्यंत्र था। आतंकी हमले के लिए बीते रविवार का दिन भी एक साजिश के तहत चुना गया था। रविवार को श्रीनगर में पहली बार इंटरनेशनल मैराथन हो रही थी। देश और दुनिया के 2000 से ज्यादा रनर्स कश्मीर में शांति और भाईचारे का संदेश देने दौड़े, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंकी कुछ और ही ठान के बैठे थे। मैराथन संपन्न हुई तो रात होते होते आतंकियों ने गांदरबल जेड मोड़ टनल निर्माण से जुड़े शिविर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 7 निहत्ते लोगों की मौत हो गई। कश्मीर घाटी में हाल ही में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए विधानसभा चुनाव व कश्मीर में शांति का माहौल पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रहा है। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने दिल्ली में 16 दिन से चला आ रहा अनशन बीते सोमवार को समाप्त कर दिया है। केंद्र गृह मंत्रालय से बातचीत का न्योता मिलने के बाद उन्होंने अनशन समाप्त करने का फैसला किया। लद्दाख बुद्धिस्ट संगठन के प्रधान शेरिंग दोर्जे ने कहा कि हम अपने 4 सूत्री एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे, ना तो इसमें कोई मुद्दा शामिल होगा और ना ही कोई मुद्दा बाहर होगा। मांगों में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, संविधान की 6 अनुसूची लागू करने, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और 2 लोकसभा सीटें व 1 राज्यसभा की सीट बनाना शामिल है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ खुफिया ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। नए आतंकवादी संगठन के खात्मे के लिए घाटी में छापेमारी की जा रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुर, कुलगाम, बड़गाम, अंतनाग और पुलवामा सहित कई जिलों में छापेमारी कर रखी है। ऑपरेशन के दौरान नए बने आतंकी तहरीक के लब्बैक यानी TLM के एक भर्ती मॉड्यूल का उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। ये समूह लश्करे तैयबा का एक हिस्सा है, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर बाबा हमास चला रहा था। पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोनमर्ग पर बर्बर हमले के बाद घाटी से गैर स्थानीय मजदूरों को तत्काल हटाने के अधिकारियों के फैसले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सोनमर्ग पर हुई बर्बर हमले के बाद घाटी से गैर स्थानीय मजदूरों को हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये फैसला घबराहट में लिया गया है, लेकिन इस तरह मजदूरों को हटाना समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे और मुश्किलें पैदा होंगी और देश में गलत संदेश जाएगा। इससे अन्य राज्यों में काम करने और पढ़ाई करने वाले कश्मीरियों के खिलाफ भी आक्रोश पैदा हो सकता है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC व्हाइट नाइट कोर नवीन सचदेवा ने GSU काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स रोमियो मनीष गुप्ता के साथ थाना मंडी सेक्टर में पीर पंचाल रेंज के ऊपरी इलाकों का दौरा किया। उच्च अधिकारियों ने सैनिकों से हर वक्त सतर्क रहकर दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हर समय तैयार रहने और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने के निर्देश दिए। रजौरी थाना मंडी बफलिया सड़क पर और आसपास के जंगलों के अलावा थाना मंडी के घने जंगलों में आतंकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आज सुबह तड़के पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में स्थित मंधार सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हुए देखा गया। इस घटना के तुरंत बाद भारतीय सेना ने ड्रोन पर फायरिंग कर दी। ड्रोन वापस POK की तरफ लौट गया। घटना स्थल पर सुरक्षा बलों ने उच्च सतर्कता बरती हुई है और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय सेना का कहना है कि किसी भी प्रकार की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में उमर अब्दुल्ला सरकार बन गई है। इस क्रम में अब जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है, एक ऐसा मोड़ जो भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजदीकियों की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भाजपा के लिए छोड़ने का फैसला किया है। विधानसभा में भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है और उसके 29 सदस्य हैं। हालांकि भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल ने कहा इसमें कुछ नया नहीं है।